मैम, बेटा मैं एक बार बता चुकी हूँ ना आप लोगों को, इतना अलग अलग से आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सभी को सायराम। और मुझे अब बताओ, मुझे फोन कर रहे थे आप लोग, बेटा जब आप लोगों की क्लास होती है तो हम लोग तब डिस्कस करेंगे ना, मुझे आपको अलग से फोन करने की जरूरत नहीं है। ओके थैंक यू देवांशी। बोलो किसने फोन किया था, क्या बात है, पूछो मुझसे। बताओ टॉपिक की बनानी है, हम प्रेजेंटेशन किस टॉपिक की। एक मिनट, यहाँ ना थोड़ा शोर ज्यादा हो रहा है, आई कांट हियर यू मैम, आपके बीच बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। प्रेजेंटेशन किस टॉपिक की, बेटा मैं जानती हूँ, अभी बेटा आप लोगों को बोला था ना कि किसी भी टॉपिक पे बना सकते हो बुक में से लेके। मैम एक मिनट रुक जाओ, चैप्टर वन को छोड़ के। मैम क्या मैंने कहा, चैप्टर वन ज्योग्राफी का छोड़ के किसी भी टॉपिक को लेके आप अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ओके मैम, मैं हिमांशी प्रेजेंटेशन कर लूंगी। और मैम और कोई सवाल था? हाँ पूछिए मैम। प्रेजेंटेशन मैम जब हम बोलते तो क्या मैम माइक मैम वो कैमरा ऑफ हो, तो कैमरा ऑन करने में क्या तकलीफ है आपको? बेटा पीपीटी नहीं बोला मैंने, सूर्यांश तुम मेरी बात को समझो, पीपीटी वर्ड मैंने यूज किया क्या पर अभी मैम? तक? तो अपने मन से क्यों जोड़ रहे हैं आप? मैम हमारे ओरल टेस्ट नहीं होंगे ना इस बार, तो डिवाइस से आना पड़ता है। तुम मेरी ना बात को समझ ही नहीं रहे हो, समझना चाहते ही नहीं हो। आपको एक टॉपिक लेना है, उसे पढ़ाना है ओरली, प्रेजेंटेशन होगा। ओके मैम, आज गूगल फॉर्म है। आज गूगल फॉर्म है ना? नहीं आज नहीं है, मैंने नहीं कहा था। आपका गूगल फॉर्म होगा अगले मंडे को, क्लास है ना आपकी, मंडे को है आपका गूगल फॉर्म। मैम मंडे को नहीं, फ्राइडे को है। फ्राइडे को है आपकी क्लास? मैम अगली क्लास फिर बेटा अगले वेंसडे को लेंगे, फ्राइडे तो बहुत जल्दी है, अभी तक तैयारी करिए, अगले वेंसडे को आपका गूगल फॉर्म का टेस्ट है ना। प्रेजेंटेशन गूगल फॉर्म के बाद होगी या फिर प्रेजेंटेशन साथ? फॉर्म जो है वो मैं लेती हूँ अपने वेंसडे को, अगले वेंसडे को, प्रेजेंटेशन हम अगली क्लास से शुरू कर दें। प्रेजेंटेशन तैयार रखिए, रोल नंबर मैं आप लोगों का रोल नंबर लूंगी तो आपको प्रेजेंट करना है, तो आप तैयारी रखेंगे, परसों से शुरू है। मैं पहले प्रेजेंटेशन देंगे आपको ऐसे आपको नहीं बेटा, आपका बस प्रेजेंटेशन देखूंगी मैं, ओरल टेस्ट नहीं। वो एंजल चैट बॉक्स में लिख रहा है एक मिनट तक ओरल टेस्ट देना है, ऐसा कुछ है मैं तुम्हारे सामने ही बात तो है नहीं कि एंजल से अलग से बात। ओरल प्रेजेंटेशन और ओरल टेस्ट सवाल पूछती, प्रेजेंटेशन में आप केवल बोलेंगे मैं सुनूंगी।
फ्राइडे से स्टार्ट हो रहे हैं प्रेजेंटेशन। फ्राइडे से चैप्टर कर रहे थे, देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एकदम जैन मेक प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन फर्क होता है, बोल के पढ़ाना है जैसे मैं पढ़ाती हूँ, क्या ये बात समझ अलग तरीके से। अभी चैप्टर कोई सा भी टॉपिक है, बात खत्म, उसे बोल के बताना है बस। सवाल आप लोगों का? नो मैम, हम लोग को उसका पीपीटी भी बनाना होगा ना। मैं ना देवांश, अब ना मैं तुम्हें इधर से निकल के एक मारने की इच्छा हो रही है मेरी। मैंने पीपीटी वर्ड अभी तक यूज करा, अभी तक पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन दो अलग चीजें होती हैं। प्रेजेंटेशन मतलब आप बोल के बताएंगे, पीपीटी मतलब आप कंप्यूटर में बनाएंगे। अरे तुम कैसे भी करो प्रेजेंटेशन, मुझे नहीं पता। मुझे एक टॉपिक के ऊपर तुम्हें पढ़ाते हुए देखना है कि तुम कैसे पढ़ाते हो। और अब इसके ऊपर मैं कोई सवाल एंटरटेन नहीं करूंगी, एक ही चीज को 25 बार पूछ रहे हो। मैं आगे की क्लास शुरू कर रही हूँ, हम चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैम बोलो क्या हुआ, बोलो क्या हुआ। मैम आप अपनी मम्मी को हैप्पी बर्थडे बोल देना। फाइन थैंक यू, बट ठीक है, थैंक यू। Let's have a look at some of the features of the Mauryan Empire under Ashoka and the Chinese Empire. Ashoka extended the empire set up by his grandfather Chandragupta Maurya. The trail of the Chinese civilization is more than 4,000 years old. The country, which was made up of different kingdoms and states which were constantly warring for mastery over each other. It was the Qin dynasty which united China. Administration in Ashoka's rule was made easy by dividing the empire into provinces, which were further divided into janapadas and villages. There were also different departments and ministers to look after several functions. The educated elite were the well-known functionaries in China, who were recruited through a competitive process. Besides them, military officials wielded influence and the bureaucracy were part of the administration. Hinduism and the Varna system were chiefly followed initially in Ashoka's rule. With the adoption of Buddhism by Ashoka, it came to be widely accepted across the empire. China, which largely worshipped nature until then, gradually saw the development of philosophical beliefs of Confucianism and the mystical path of Taoism. Sanskrit was the court language and Prakrit Brahmi was the people's language in Ashoka's empire.
Mandarin and Old Chinese were spoken in the Chinese Empire. The Mauryan Empire encouraged friendly relations with neighbors and supported overseas trade. They had trade relations with Sri Lanka, Egypt, and Greece. Since the Chinese were conservative, they had limited trade with activities which were restricted to port areas of Canton and Macau. Trade practices differed as they bartered goods for trade and only accepted gold in return for Chinese goods. The stupa at Sanchi and the Ashoka pillar at Sarnath are examples of architecture during Ashoka's reign. The Great Wall of China represents ancient Chinese architecture. Built in parts, the work of completing it was begun by the first ruler of the Qin dynasty. Ashoka sent many Buddhist religious missions to neighboring countries to create cultural exchange. Chinese rulers lived in isolation without much interaction with the neighboring countries for numerous years. Responsible for the Mauryan Empire, founded by Chandragupta Maurya more than 2,300 years ago, later expanded on by his son Bindusara and grandson King Ashoka, was the first empire of ancient India. After the death of King Ashoka, his successors were not competent enough to control such a vast empire. As a result, the Mauryan Empire collapsed about 2,200 years ago. In its place rose several new kingdoms. In the northwest and north India, kings known as the Indo-Greeks ruled for about 100 years. Their rule was followed by the rule of people from Central Asia known as the Shakas or Indo-Scythians, who set up kingdoms in the northwest, north and western India. The Shaka kingdom lasted for about 500 years till they were defeated by Chandragupta II in the 4th century. The Shakas were followed by the Kushans, who ruled parts of Central Asia. In the north and in parts of central India, a general of the Mauryas named Pushyamitra Shunga set up a kingdom. That kingdom came to be known as the Shunga Empire. The Shunga dynasty was followed by another dynasty known as the Kanvas, who ruled in the eastern parts of North India. The Gupta rulers overthrew this and other empires and set up the rule of the Gupta Empire about 1700 years ago. This was a period that saw growth in many fields and is often referred to as the Golden Age in Indian history. The Satavahana kingdom, which was established about 2,100 years ago, covered areas in western and parts of central India. This empire lasted for about 400 years. Around 1700 years ago, a new ruling family known as the Vakatakas became powerful in central and western India. In south India, the important kingdoms were of the Cholas, Cheras and Pandyas. They ruled between 2200 and 1800 years ago.
And about 1,500 years ago, there were two large kingdoms, those of the Pallavas and the Chalukyas. Not only were powerful men changing the boundaries of empires, but there were changes in which ordinary men and women played a major role. The period saw the growth of agriculture and development of trade. This resulted in traders exploring land routes both within and outside the subcontinent. Sea routes to West Asia, East Africa, and Southeast Asia were also opened up. Many new buildings were built, including the earliest temples and stupas, books were written and scientific discoveries were made simultaneously. Which among the following was an Yes. तो बेटा इसी के साथ जो है हमारा अशोका द एम्परर टू गेव अप वॉर उसका मेजर पोर्शन खत्म होता है. आपको एक बार इसका चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे. लेकिन तब तक के लिए विल हैव टू वेट अ लिटिल बिट क्योंकि हम लोग प्रेजेंटेशन शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास से. ओके और मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों के जो प्रेजेंटेशन होंगे सॉरी जो आपका गूगल फॉर्म होगा उसमें देर विल बी 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ठीक है 25 क्वेश्चंस होंगे. कितने मिनट का होगा बेटा? आधे घंटे का करूंगी, पूरे आधे घंटे का करूंगी. मैम प्रेजेंटेशन वाला जो हमें करना है वो अगले फ्राइडे वाले पीरियड को है या फिर अगले फ्राइडे? इसी फ्राइडे क्या तारीख है? 22 है राइट? यस मैम. 22 से शुरू करना है. ओके मैम. और कोई किसी मैम हमें ओरल प्रेजेंटेशन कब दिखानी है? बेटा फ्राइडे से शुरू होगा, जिसका नाम आएगा वो दिखाएगा. जैसा हम लोगों ने मीटिंग करा था ना वैसा ही हम लोग इसे करेंगे. मैं नया से रोल नंबर निकालूंगी लॉटरी से. मैम इसी हफ्ते के फ्राइडे? बेटा 22 जनवरी. ठीक है 2201 2021. ओके मैम. एमसीक्यू के 25 मार्क्स हैं. हाँ बेटा कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 25. ओके मैम. एनी अदर क्वेश्चन? मैम वो कब होगा वो टेस्ट एमसीक्यू का? मंडे को. मंडे को नहीं सॉरी अगले वेडनेसडे को 27 जनवरी. मैम फर्स्ट चैप्टर को छोड़ के किसी का भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं बेटा. मैम ताओइज्म क्या होता है? ताओइज्म एक तरीके की फिलॉसफी है. जैसे अलग अलग धर्म होते हैं ना उसी ताओइज्म भी एक टाइप का होता है जो चाइना के लोग फॉलो करते हैं. मैम ये बाजी जैसे कि किसी डायनेस्टी का किंग होता है उसके बाद जो होते हैं उन्हें क्या होता है कि पहले के जमाने में ऐसा माना जाता था कि अगर आप किसी
का नाम रख रहे हैं, अगर आपने किसी जो उसका नाम रख रहे हैं तो आप अपने परिवार के किसी को देने के लिए का नाम उनके नाम पे रख दिया करते थे। अगर मान लो एक ही फैमिली में बहुत सारे बाजीराव हैं, ऐसे चलेगा कि जब हम हिस्ट्री में बात कर रहे हैं बाजीराव की बात करें, उनको उनके घर वाले ऐसे नहीं बुलाते थे बाजीराव वन बाजीराव टू, नहीं उनके नाम से ही बुलाया जाता था। लेकिन कौन से आए और दूसरे कब आए आगे नंबर लगा दिया। जैसे आप जो हिंदी लिखते हैं ना, हिंदी की किस आ आ ई लिखा है उसे देवनागरी स्क्रिप्ट, ऐसे ही एक स्क्रिप्ट करती थी जो पुरानी लैंग्वेजेस लिखी जाती थी उसे कहते थे ब्रह्मी। इंग्लिश अलग तरीके से लिखते हो, हिंदी अलग तरीके से लिखते हो, वैसे ही ब्रह्मी स्क्रिप्ट हुआ करते थे लिखी जाती थी लैंग्वेजेस। जैसे अक्षर बनाए जा रहे हैं उसे वॉल ऑफ चाइना मैम उनसे भी दिख, ये सच बेटा ये एक मिथ है। मैम जो कलिंगा हुआ करता था मतलब कि आज का ये सब, वो मैम उसी मतलब कि वेस्ट ईस्ट में ही हुआ कर जैसे आज है। जैसे जो अभी उड़ीसा है ना उसी का एक पोर्शन था जिसका नाम उस समय कलिंगा था। तो फिर ये वॉर कैसे हो गई मैम? हमने मैप में देखा है कि अशोका एम्पायर के अंदर ही आता है ये कलिंगा। वो जीत गए थे ना, जीत गए उन्होंने वापस थोड़ी करा कलिंगा, वो जीत गए उसे अपने डायनेस्टी डाली और फिर डिसाइड कर ले कि अब और नहीं लड़ेंगे। ओके मैम। और कोई सवाल? और किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर में कोई भी सवाल है हमारे पास? अभी 5 मिनट बचे हैं, कुछ नया शुरू नहीं कर। अगर आप कुछ बात करना चाहें, कुछ और बात करना चाहें तो जो लैंडमार्क के लिए जो इंटरनल प्रोसेसेस कैसे वर्क कर। देखो अर्थ अर्थ है ना, अर्थ हमेशा जो है रोटेशन ले रही है, रेवोल्यूशन ले रही है, हमें मूवमेंट में है। अगले साल पढ़ेंगे कि अर्थ जो है पूरी सॉलिड नहीं है, एयर के बाद बीच में थोड़ा सा लिक्विड मूव करता है, उसकी वजह से अर्थ के सारे पोर्शंस बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एंडोजेनिक मतलब अंदर से कुछ प्रॉब्लम, बाहर से देखें जब धूप पड़ती है तो कुछ अलग प्रोसेसेस होते हैं, पानी बहुत तेजी से चलता है तो अलग अलग प्रोसेसेस। क्या होता है वो 3 स्टेजेस क्या? मैं तेरा सवाल नहीं समझी, एक बार और समझाना मुझे। मैंने अपनी वाली वो
हुआ कर हरप्पा के तीन स्टेजेस की बात नहीं कर रहे हैं। देखो दो चीजें मुझे तुम्हारी उसमें समझ में आ रही है, एक तो ये, एक तो या तो सिटी के स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि एक सिटाडेल हुआ करता था, एक लोअर टाउन हुआ करता था, अलग अलग हुआ करते थे। टाइम वाले टाइम पे, अच्छा बेटा ऐसा है ना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ऐसा नहीं है कि ना बस 5-10 साल थी और खत्म, साल रही है। हर टाइम पर वैरायटी थी, अलग तरीके से सिटी को कंस्ट्रक्शन किया गया। मतलब तुम ये सोचो आज जैसा गुना है, आज से 5 साल पहले अलग था, 5 साल बाद अलग होगा। जब कोई जगह 500 साल रहती है, अलग अलग तरीके के स्टेजेस आते हैं, तो ये वो स्टेजेस की बात। वो बहुत अच्छा था, थोड़ा सा खराब हो गया, और फिर एंड आते आते आज की क्लास खत्म करते हैं, अगली क्लास में प्रेजेंटेशन के लिए तैयार रहें। कनिष्का डायनेस्टी, कनिष्का सबसे की तरफ आई थी, कनिष्का जो थे उस तरफ से आए थे, अपने ये अपने वेस्ट वेस्ट एशिया आए थे, ये मंगोलॉइड्स कनिष्क और कुषाण डायनेस्टी के हुआ करते। तो फिर आज की क्लास हम खत्म करते हैं। ऑल थैंक यू मैम, साईराम, बाय मैम, साईराम बेटा, थैंक यू, बाय, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बाय।